दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम और केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खुलने वाले हैं। 2020 में चार धाम मंदिरों के कपाट कब खुलेंगे वो मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। साथ ही साथ केदारनाथ धाम की 2020 में होने वाली यात्रा में क्या क्या चैलेंज आपको फेस करने पड़ेंगे उसके बारे में भी एक विशेष जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे इंस्पिरेशन देता है कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी, बेहतर से बेहतर वीडियोस देता रहूं। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए चार धामों में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं। तो इस साल 2020 में अक्षय तृतीया पड़ रही है 26 अप्रैल की, तो यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 26 अप्रैल 2020 में खोल दिए जाएंगे जिसकी तैयारी शासन और प्रशासन और वहां के पंडित पुजारियों की तरफ से शुरू कर दी गई है। वहीं अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल 2020 को खोले जाएंगे। इसकी घोषणा बसंत पंचमी को कर दी गई थी पर अभी फिलहाल गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में काफ़ी ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है और उसको हटाने के लिए प्रशासन पूरी जोर शोर से कोशिश कर रहा है। बात केदारनाथ की करें तो केदारनाथ में साल 2020 में यात्रा करना काफ़ी चुनौती भरा रहने वाला है क्योंकि गौरीकुंड से मंदिर तक करीब 16 फीट तक बर्फ अभी जमी हुई है। धाम का 1.5 माह से मुख्यालय से पूरी तरह से संपर्क टूटा हुआ है। बाबा केदार की यात्रा की राह में प्रशासन के लिए इस बार भी बर्फ और हिमखंड हटाना किसी चुनौती से कम नहीं है। बीते 1.5 महीने में 4 बार इतनी ज्यादा भयंकर बर्फबारी केदारनाथ धाम और उसके आसपास के इलाकों में हुई है कि मंदिर परिसर पूरी तरह से बर्फ में ढक चुका है और करीब 16 फीट तक बर्फ वहां पर जमा हो चुकी है। 12 दिसंबर से केदारनाथ धाम का जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। रामबाड़ा से रुद्र पॉइंट तक 10 फीट से अधिक बर्फ अभी भी जमा है। यहां 6-7 जगहों पर हिमखंड जोन भी है जिन्हें पार कर पाना मुश्किल भरा हो चुका है। केदारपुरी में भी MI-26 हेलीपैड से लेकर मंदिर मार्ग और मंदिर परिसर तक करीब 16 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बीते 1.5 माह में धाम में 4 बार बहुत भयंकर बर्फबारी हुई है जिसके कारण धाम में बिजली, पानी और संचार सेवा पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। साथ ही पुनर्निर्माण कार्य भी बंद पड़ा हुआ है। 2019 में केदारनाथ धाम की यात्रा 9 मई को शुरू हुई थी, तब भी पैदल मार्ग पर भीमबली से बर्फ मौजूद थी। रामबाड़ा से रुद्रा पॉइंट के बीच 6 जगहों पर 45 फीट से अधिक लंबाई तक के हिमखंड थे। श्रद्धालुओं को 4.5 किलोमीटर बर्फ को काट कर बनाए गए रास्ते से होकर गुजरना पड़ा था। इससे पूर्व 2015 में भी पैदल मार्ग पर करीब 8 से 9 फीट तक बर्फ काट कर रास्ता बनाया गया था। फिलहाल रुद्रप्रयाग से केदारनाथ के लिए एक टीम पहुंच चुकी है जो वहां के पूरे एरिया का निरीक्षण कर रही है और बर्फ हटाने की हर संभव प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। पर साल 2019 के मुकाबले साल 2020 में श्रद्धालुओं को कहीं ज्यादा बर्फ देखने के लिए मिलेगी क्योंकि गौरीकुंड से लेकर पूरी 22 किलोमीटर तक की यात्रा मंदिर तक करीब 10 से 16 फीट तक बर्फ पूरी तरह से जमी हुई है जिसको हटाना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। अगर ये बर्फ हटा भी दी जाती है रास्ते से तो उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा बर्फ आपको देखने के लिए मिलेगी साल 2020 में। कपाट खुलने की तिथि की मैं बारे में अगर बताऊं तो महाशिवरात्रि यानी 21 फरवरी को कपाट खुलने की तारीख भी तय कर दी जाएगी। लेकिन माना यही जा रहा है कि इस साल 2020 में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में कुछ देरी हो सकती है क्योंकि 2020 में बर्फबारी बेहद ही ज्यादा हुई है और जब तक बर्फ हटाई नहीं जाती है, जब तक रास्ता क्लियर नहीं किया जाएगा,
तब तक कपाट भी नहीं खोले जाएंगे, यात्रा प्रारंभ नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है बर्फ को हटाना, यात्रा शुरू कराना। और साथ ही उन सभी यात्रियों के लिए भी बड़ी चुनौती रहेगी जो पैदल ट्रैकिंग करते हैं, उनको बेहद ही चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही भयंकर बर्फ देखने के लिए मिलेगी आपको पूरे ही रास्ते में, पूरे ही 22 किलोमीटर के ट्रैक में। तो ये चुनौती का सामना करना पड़ेगा आपको 2020 की केदारनाथ यात्रा में। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।